हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल सी एक डिश जिसका नाम है श्रीखंड। श्रीखंड गुजरात और महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। श्रीखंड को ताजे ठंडे दही के साथ बनाया जाता है और इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफ़ी अच्छा माना जाता है। लोग पूड़ी और परांठे के साथ श्रीखंड खाना पसंद करते हैं। यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया शरीर को संक्रमण से लड़ने में हमारी सहायता करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमने दही को ले लिया है। दही आप किसी भी तरह का जमाया हुआ ले सकते हैं, घर का ले सकते हैं या बाज़ार का ले सकते हैं। और उसको हमने एक कपड़ा ले लेना है, मलमल का कपड़ा। सफ़ेद कलर का ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दूसरे कलरफुल कपड़ों से कई बार कलर निकल जाता है और वो खाने में आ जाता है। तो इसलिए हम सफ़ेद साफ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे और उसको छलनी में रख के इस तरह से, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, इस तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है। इसका पानी, हम सारा दही का पानी निकाल लेंगे। कपड़े में इसको लपेट के इस तरह से टांग देंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो एक दो घंटे हम इसको इसी तरह से टांग देंगे किसी कील पे, खूंटी पे, और इसका पानी सारा निकाल लेंगे। और जब इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाए तब हम इसके अगले प्रोसेस को करेंगे। तब तक यदि आप चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अब इसका पानी हमारा टांगने के बाद जितना निकलना था वो निकल चुका है। ये देखिए कितना सारा पानी निकल गया। ये हमने आधा किलो दही लिया था, आधा किलो दही में से काफ़ी मात्रा में पानी निकल चुका है। और जो थोड़ा बहुत पानी और रह जाएगा उसको हम इस तरह से कपड़े को एक प्लेट पे रख के और इसके ऊपर कुछ दूसरी प्लेट रख के इसके ऊपर हम वज़न को रख देंगे, जिससे कि इसका जो जितना भी बचा हुआ पानी होता है वो सारा निकल जाएगा। ये देखिए दबाने से किस तरह से पानी निकल रहा है इसमें से। तो एक दो घंटा हम इसको इस तरह से रखेंगे तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए हमारी दही बिल्कुल सेट हो गई है। जिस तरह से पनीर होता है ठीक उसी तरह से हमारी ये दही बन गई है। इसमें बिल्कुल भी पानी अब नहीं बचा है। तो अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दही के अंदर अब हम जितनी मात्रा में दही है उतना ही हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। मीठे के लिए आप यहाँ पर गुड़ का, चीनी का, बूरा का या देसी खांड का, मिश्री का, आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा बिल्कुल बराबर डलती है। अब यहाँ पर हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दही इस समय तक काफ़ी खट्टा हो जाता है तो इसलिए इसमें मीठे की मात्रा बराबर रखी जाती है। तो अब हमारा श्रीखंड बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो इसको हमने एक सर्विंग डिश में डाल लेना है और इसके ऊपर से हम अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हों, जैसे मैंने इसमें बादाम और थोड़े से खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज इसमें डाले हैं और थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियाँ इसके अंदर डाली हैं एक बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो ये लीजिए हमारा श्रीखंड बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें और गर्मियों में इसका आनंद लें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।